नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज और मैं हूं यति आपके साथ। उत्तर भारत के सबसे बड़े पर्व छठ पूजा को लेकर देश के अलग अलग शहरों से 124 स्पेशल ट्रेनों को रवाना किया गया था। इसके बाद भी लोगों में भरी हुजूम देखने को मिली। यात्रियों की सुविधा के लिए 100 से अधिक ट्रेनों का परिचालन भारतीय रेलवे द्वारा करवाया गया था ताकि लोग अपने घर छठ पूजा में आ पाए। इसी के साथ अब छठ पूजा में प्रदेश से अपने घर आए लोगों को अपने काम पे वापस भी जाना है। किसी को किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो उसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार द्वारा करीबन 130 ट्रेनों का परिचालन करवाया गया। इसी के साथ केंद्र सरकार ने ये भी कहा है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो और भी ट्रेनों का परिचालन करवाया जाएगा। यात्रियों के सहूलियत को देखते हुए 4 जोड़ी अतिरिक्त ट्रेन स्पेशल चलाने की सरकार द्वारा वादा किया गया है। छठ के बाद वापसी में यात्रियों की भीड़ को लेकर राजगीर से सिकंदराबाद और दानापुर से दुर्ग, पुणे व LTT के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। जिन ट्रेनों का सरकार द्वारा शुरू करवाया गया उनकी गाड़ी संख्या 03391 राजगीर सिकंदराबाद पूजा स्पेशल जो 6 नवंबर को राजगीर से सुबह 10 बजे खुलेगी। वहीं गाड़ी संख्या 03392 जो कि सिकंदराबाद राजगीर स्पेशल 8 नवंबर को सिकंदराबाद से सुबह 11:30 बजे खुलेगी। साथ ही गाड़ी संख्या 03202 दानापुर दुर्ग पूजा स्पेशल 6 नवंबर को दानापुर से सुबह 8 बजे और 03201 दुर्ग दानापुर पूजा स्पेशल 7 नवंबर को दुर्ग से दोपहर 1:15 पर खुलेगी। इसी के साथ गाड़ी संख्या 03287 दानापुर पुणे पूजा स्पेशल 7 नवंबर को दानापुर से शाम 4:40 में और गाड़ी संख्या 03288 पुणे दानापुर पूजा स्पेशल 9 नवंबर को पुणे से सुबह 5 बजे खुलेगी। इसी क्रम में गाड़ी संख्या 32650 दानापुर लोकमान्य तिलक टर्मिनल पूजा स्पेशल 8 नवंबर को दानापुर से शाम 6:10 पर और गाड़ी संख्या 03266 लोकमान्य तिलक टर्मिनल दानापुर पूजा स्पेशल 10 नवंबर को लोकमान्य तिलक से रात 12:15 पर खुलेगी। वहीं खबर ये भी आ रही है कि दरभंगा से अमृतसर और जैन नगर से आनंद विहार के लिए भी स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी जिसकी गाड़ी संख्या 05211 दरभंगा अमृतसर एक्सप्रेस स्पेशल 6 नवंबर को दरभंगा से शाम 5:20 पर खुलेगी। वहीं गाड़ी संख्या 05212 अमृतसर दरभंगा एक्सप्रेस 8 नवंबर को अमृतसर से शाम 7:15 पर खुलेगी। इसमें स्लीपर के 15 व साधारण श्रेणी के 5 कोच शामिल हैं। वहीं गाड़ी संख्या 05503 जयनगर आनंद विहार एक्सप्रेस 6 नवंबर को जयनगर से शाम 7 बजे खुलेगी। इसमें स्लीपर के 3 व साधारण श्रेणी के 11 कोच होंगे। वहीं बरौनी लखनऊ बरौनी स्पेशल मुंडेरवा स्टेशन पर आज से आने वाली 6 महीनों के लिए प्रायोगिक उदाकर के अनुसार मुंडेरवा स्टेशन पर 2 मिनट के लिए रोक दी जाएगी। वहीं गाड़ी संख्या 15203 बरौनी लखनऊ एक्सप्रेस मुंडेरवा स्टेशन पर 6:33 पहुंच जाएगी। वहीं शाम 6:35 पे आगे के लिए रवाना होगी। इसी के साथ गाड़ी संख्या 15204 लखनऊ बरौनी एक्सप्रेस मुंडेरवा स्टेशन पर रात 8:32 पर पहुँच कर 8:34 पे आगे के लिए रवाना होगी। साथ ही आपको ये भी बता दें कि गाड़ी संख्या 03611 गाड़ी संख्या 03617 पटना सासाराम पटना पैसेंजर स्पेशल को शनिवार से 6 माह के लिए प्रायोगिक आधार पर हसन बाजार स्टेशन हॉल्ट पर 1 मिनट के लिए रोक दी जाएगी। वहीं गाड़ी संख्या 03611 पटना सासाराम पैसेंजर स्पेशल हसन बाजार स्टेशन पर शाम 6:40 पर पहुंचकर 6:41 में आगे के लिए रवाना होगी। वहीं गाड़ी संख्या 03612 सासाराम पटना पैसेंजर स्पेशल सुबह 7:06 पर पहुंचकर 7:07 पे आगे के लिए रवाना होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।